हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएन क्लासेस। आशा करूँ आपण मैंने समस्ते भलरे थे और आपंक प्रिपेरेसन टा ठीक भाव में चलु थी, कारण समस्ते जानते ओडिशा फायरमैन ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आसी सारी और बहुत शीघ्र एग्जाम करदेव। आम पाखे केवल गोटे मस ही समय अच्छी एवं बहुत शीघ्र फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आसी जीवो, तो से एबेरु ही निजको प्रस्तुत रखंतु। आपण माने तो जानिछंति ओडिशा रो जे कोनो से एग्जाम दृष्टि रु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडाक बहुत इंपोर्टेंट, तो से समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी को टॉपिक वाइज कंप्लीट करबा एवं सोमवार दिन ठारु कंप्यूटर एवं ओडिया ग्रामर क्लास गुडी को मध्य आरंभ होइ जीवो। जेहेतु आम पाखे बहुत कम समय अच्छी, तो से कम समय रे अधिक प्रश्न गुड़ी को किपर भाव कम्प्लीट करहब ता चेष्टा करवा, तो आउ समय नष्ट नक आरंभ करवा। नंबर 121 बेलारी आयन ओर डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन डेक्स स्टेट। देखो बेलारी लोहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए कर्णाटक, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार ना ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है, बेलारी लोहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित ना कर्णाटक अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 122 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स इज लोकेटेड इन मध्यप्रदेश। देखो निम्नलिखित मध्य क्यों व्याघ्र अभयारण्य मध्यप्रदेश में अवस्थित, ऑप्शन ए पेरिया टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ना ऑप्शन डी इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित मध्य क्यों व्याघ्र अभयारण्य मध्यप्रदेश में अवस्थित, तो ऑप्शन सी है राइट आंसर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 123 पॉइंट क्लाइमेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। देखो पॉइंट क्लाइमेट वन्यप्राणी अभयारण्य क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश ना ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर टी कौन है, पॉइंट क्लाइमेट वन्यप्राणी अभयारण्यटा क्यों राज्य में अवस्थित ना तमिलनाडु में अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 124 द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट चार मीनार इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ऐतिहासिक स्मारकी चार मीनार निम्नलिखित क्यों शहर में अवस्थित, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट आंसर टी कौन है, ये चार मीनारटा निम्नलिखित क्यों शहर में अवस्थित ना हैदराबाद में अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 125 अनंतपुर आयरन ओर डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन डेक्स स्टेट। देखो अनंतपुर लोहापथर भंडारटा क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ ना ऑप्शन डी ओडिशा। तो राइट आंसर टी कौन है, अनंतपुर लोहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित ना आंध्र प्रदेश में अवस्थित, ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 126 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित मध्य क्योंटी बंगोपसागर में अवस्थित एक सक्रिय आग्नेयगिरी, ऑप्शन ए बारेन आइलैंड, ऑप्शन बी लिटिल अंडमान आइलैंड, ऑप्शन सी सागर आइलैंड, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो राइट आंसर टी कौन है, निम्नलिखित मध्य क्योंटी बंगोपसागर में अवस्थित एक सक्रिय आग्नेयगिरी, तो राइट आंसर टी बारेन आइलैंड, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 127 माउंट कोयाब इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। देखो माउंट कोयाब निम्नलिखित मध्य क्यों द्वीप अवस्थित, ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी नॉर्थ अंडमान, ऑप्शन सी साउथ अंडमान, ऑप्शन डी मिडिल अंडमान। तो राइट आंसर टी कौन है, माउंट कोयाब निम्नलिखित मध्य क्यों द्वीप अवस्थित ना साउथ अंडमान में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 128 नागपुर मांगानीज ओर माइन्स आर लोकेटेड इन डेक्स स्टेट। देखो नागपुर मांगानीज खणी क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर टी कौन है, नागपुर मांगानीज खणीटा क्यों राज्य में अवस्थित ना महाराष्ट्र में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 129 द काठियावार पेनिनसुला इज लोकेटेड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। देखो काठियावार उपद्वीप निम्नलिखित मध्य क्यों भारतीय राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर टी कौन है, काठियावार उपद्वीपटा निम्नलिखित मध्य क्यों भारतीय राज्य में अवस्थित गुजरात में अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 130 बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डेक्स। देखो बोकारो इस्पात कारखाना क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। तो राइट आंसर टी कौन है, बोकारो इस्पात कारखाना क्यों राज्य में अवस्थित झारखंड राज्य में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 131 कोलार गोल्ड फील्ड्स इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। कोलार सुना क्षेत्र क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर टी कौन है, कोलार गोल्ड फील्ड बा कोलार सुना क्षेत्रटा क्यों राज्य में अवस्थित,
कर्णाटक अवस्थित ऑप्शन डी हेबा राइट आंसर। नंबर 132 रानी की भाव और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखंतु रानी की भाव गोटे यूनेस्को रो विश्व ऐतिह्य स्थली अटे जहाँकि निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए राजस्थान ऑप्शन बी गुजरात ऑप्शन सी तमिलनाडु ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है रानी की भाव गोटे यूनेस्को रो विश्व ऐतिह्य स्थली अटे जहाँकि निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित ना गुजरात में अवस्थित ऑप्शन बी हेब राइट आंसर। नंबर 133 रत्नगिरी आयन और डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन डेक्स स्टेट। देखो रत्नगिरी लुहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए झारखंड ऑप्शन बी तमिलनाडु ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर टी कौन है रत्नगिरी लुहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित महाराष्ट्र में अवस्थित ऑप्शन डी हेब राइट आंसर। नंबर 134 आइस्को स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डेक्स। देखो आइस्को स्टील प्लांट बा आइस्को इस्पात कारखानाटा क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए झारखंड ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल ऑप्शन सी ओडिशा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर टी कौन है आइस्को इस्पात कारखानाटा क्यों राज्य में अवस्थित वेस्ट बंगाल में अवस्थित ऑप्शन बी हेब राइट आंसर। नंबर 135 सिंगारानी कोल माइन्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डेक्स। देखंतु सिंगारानी कोइला खणि क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए मध्यप्रदेश ऑप्शन बी महाराष्ट्र ऑप्शन सी तेलंगाना ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है सिंगारानी कोइला खणिटा क्यों राज्य में अवस्थित तेलंगाना रे अवस्थित ऑप्शन सी हेब राइट आंसर। नंबर 136 जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो जेमू ग्लेशियरटा निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सी सिक्किम ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर टी कौन है जेमू ग्लेशियर निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित ना सिक्किम रे अवस्थित ऑप्शन सी हेब राइट आंसर। नंबर 137 दिगबोई ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखंतु दिगबोई तैल क्षेत्र निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए महाराष्ट्र ऑप्शन बी आसाम ऑप्शन सी सिक्किम ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है दिगबोई ऑयल फील्ड बा दिगबोई तैल क्षेत्रटा निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित ना आसाम रे अवस्थित ऑप्शन बी हेब राइट आंसर। नंबर 138 पोलामु आयन और डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन डेक्स स्टेट। देखो पोलामु लुहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए उत्तराखंड ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन सी झारखंड ऑप्शन डी पंजाब। तो राइट आंसर टी कौन है पोलामु लुहापथर भंडारटा क्यों राज्य में अवस्थित झारखंड में अवस्थित ऑप्शन सी हेब राइट आंसर। नंबर 139 दांतेवाड़ा आयन और डिपोजिट्स आर लोकेटेड इन डेक्स स्टेट। देखो दांतेवाड़ा लुहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए उत्तराखंड ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ऑप्शन सी पंजाब ऑप्शन डी मेघालय। तो राइट आंसर टी कौन है दांतेवाड़ा लुहापथर भंडार क्यों राज्य में अवस्थित छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित ऑप्शन बी हेब राइट आंसर। नंबर 140 कोडमाट बीच व्हिच रिसेंटली रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज लोकेटेड इन ह्विच यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। रिसेंटली ब्लू फ्लैग पाई कोडमाट बेलाभूमि भारतर क्यों केन्द्र शासित अंचल अवस्थित ऑप्शन ए लाक्षाद्वीप आइलैंड ऑप्शन बी दादरा नगर हवेली एंड डामन एंड ड्यू ऑप्शन सी आंडामान एंड निकोबर आइलैंड ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो राइट आंसर टी कौन है रिसेंटली ब्लू फ्लैग पाई कोडमाट बेलाभूमिटा भारतर क्यों केन्द्र शासित अंचल अवस्थित ना लाक्षाद्वीप आइलैंड अवस्थित ऑप्शन ए हेब राइट आंसर। नंबर 141 बिना ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ टेक्स। देखो बिना तैल विशोधन गार क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए गुजरात ऑप्शन बी ओडिशा ऑप्शन सी मध्यप्रदेश ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है बिना तैल विशोधन गार बिना ऑयल रिफाइनरीटा क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन सी हेब राइट आंसर मध्यप्रदेश में अवस्थित ऑप्शन सी हेब राइट आंसर। नंबर 142 पेरियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो पेरियार व्याघ्र संरक्षण अभयारण्यटा निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए केरला ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी गोवा ऑप्शन डी कर्णाटक। तो राइट आंसर टी कौन है पेरियार व्याघ्र संरक्षण अभयारण्यटा निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए हेब राइट आंसर केरला रे अवस्थित ऑप्शन ए हेब राइट आंसर। नंबर 143 धोलावीरा ए साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन ह्विच स्टेट। देखो सिंधु उपत्यका सभ्यतार एक स्थान धोलावीरा क्यों राज्य में अवस्थित ऑप्शन ए गुजरात ऑप्शन बी मध्यप्रदेश ऑप्शन सी राजस्थान ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर टी कौन है सिंधु उपत्यका सभ्यतार एक स्थान धोलावीरा क्यों राज्य में अवस्थित तो ऑप्शन ए हेब राइट आंसर गुजरात में अवस्थित ऑप्शन ए हेब राइट आंसर। नंबर 144
बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन ह्विच स्टेट। देखो बक्सा व्याघ्र अभयारण्यटा क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी आसाम। तो राइट आंसर टी कौन है, बक्सा व्याघ्र अभयारण्यटा क्यों राज्य में अवस्थित, वेस्ट बंगाल राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 145, व्हेयर इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी लोकेटेड इन इंडिया। भारत में केंद्रीय तदंत ब्यूरो एकेडमी क्योंठारे अवस्थित, ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो राइट आंसर टी कौन है, भारत में केंद्रीय तदंत ब्यूरो एकेडमी बा द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमीटा क्योंठारे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर, गाजियाबाद रे अवस्थित, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 146, कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ टेक्स। देखो कायगा आणविक शक्ति केन्द्र क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी राजस्थान। तो राइट आंसर टी कौन है, कायगा आणविक शक्ति केन्द्रटा क्यों राज्य में अवस्थित, कर्नाटक रे अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 147, द रिसेंटली डिक्लेयर्ड रामसर साइट यशवंत सागर इज लोकेटेड इन ह्विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। देखंतु रिसेंटली घोषित रामसर साइट यशवंत सागरटा निम्नलिखित क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मध्यप्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर टी कौन है, रिसेंटली घोषित होता रामसर साइट यशवंत सागरटा निम्नलिखित क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर, मध्यप्रदेश में अवस्थित, ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 148, द हेड ऑफिस ऑफ द टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन डेक्स। देखंतु भारतीय चा बोर्ड रो मुख्य कार्यालय केउठारे अवस्थित, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी शिलांग, ऑप्शन डी कोलकाता। तो राइट आंसर टी कौन है, भारतीय चा बोर्ड रो मुख्य कार्यालयटा केउठारे अवस्थित, ना ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर, कोलकाता रे अवस्थित, ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 149, बेलाडीला आयन ओर माइन इज लोकेटेड इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखंतु बेलाडीला लोहापथर खणीटा निम्नलिखित मध्य क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो राइट आंसर टी कौन है, बेलाडीला लोहापथर खणीटा निम्नलिखित क्यों राज्य में अवस्थित, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर, छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नंबर 150, इडुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन ह्विच स्टेट। देखो इडुकी जल विद्युत प्रकल्प क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर टी कौन है, इडुकी जल विद्युत प्रकल्प क्यों राज्य में अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर, केरला रे अवस्थित, ऑप्शन ए है राइट आंसर। ए थी आज क्लास रो लास्ट क्वेश्चन, जदि ए क्लास टी आपण नॉलेज रे किछटा इंप्रूवमेंट आनी तो वीडियो को गोटे लाइक करी सांग साथी मानन को सहित शेयर करंतु, एवं ओडिसा रो कोनोसी जॉब पई मध्ये प्रिपरेशन करूछंती तो डीआरएन क्लासेस को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करी रखंतु, कारण आमे जेते बेले भी न्यू वीडियोटा अपलोड करिवु आपण को पाखो को सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन टी पहुंची पारिबो।